नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 370 हटने के दो साल बाद घाटी फिर से अशांत हुई। आतंकवाद ने फिर से अपना सर उठाया है। बेगुनाहों की मौत के मातम से वादी फिर से दहल रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उनका पैटर्न चौंका रहा है। हत्याएं जिस तरह की जा रही हैं, वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। एक बार फिर से 90 के दशक वाला रक्त रंजित कश्मीर बनाने के मंसूबे दिख रहे हैं। सात अक्टूबर 2021, दो स्कूल टीचर्स की एक साथ हत्या। ये कोशिश है आतंकवादियों की माहौल खराब करने की। बहुत खौफ इस टाइम कश्मीरी पंडितों में है। यहाँ हमें बहुत दुखद लगाया है, हमें नींद नहीं आई है रात को। हम बिल्कुल यहाँ के बच्चे, यहाँ के बच्चियाँ, उनमें डर पैदा हो गया है। खासकर वहाँ पे हमारे सब भाई बहनों को जो मिनोरिटी में, उनको पूरी सुरक्षा मिलना चाहिए। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमारे सब इस टाइम हमारी औरत मारी गई जो कि नहाती थी। ये चेतावनी है कि कश्मीर में सामान्य हालात नहीं है। हालात जो है दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। कोई भी नहीं आज अपने आप को महफूज समझता है। 5 अक्टूबर 2021, 90 मिनट में 3 निर्दोष कश्मीरियों की हत्या। इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। हम लोग कश्मीरी पंडित इससे डरने वाले नहीं है। हम अवश्य आएंगे और आप कुछ भी करो। अगर आतंकवादी ये समझे कि कुछ और हिंदू समाज, सिख समाज के बंधुओं के ऊपर गोलियां चला करके वो इस राष्ट्रवाद की धारा को समाप्त कर देंगे, तो वो अपनी बौखलाहट के अंदर कुछ भी कर ले। मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 3 अक्टूबर 2021, मंदिर पर हमला और पवित्र प्रतीक चिन्ह आग के हवाले। 2 अक्टूबर 2021, दो कश्मीरी नागरिकों की गोली मारकर हत्या। 3 अक्टूबर 2021, कश्मीर में शांति भंग है, आतंकवाद के नए दौर की आहट सुनाई दे रही है। जिन पे नाज है नए कश्मीर को, वो निशाने पर जो पहचान है कश्मीरियत की, उनके लहू से लाल है घाटी की धरती। आतंकवादी वारदातों ने मर्डर का रूप अख्तियार कर लिया है। सूत्र हाइब्रिड टेररिज्म की ओर इशारा करते हैं। प्रकार की जो कोशिशें हैं, उससे कहीं ना कहीं टेंशन भी होती है और एक डर, खौफ का माहौल वहां पर बनता है। वो सतेंद्र कौर, दीपक चंद्र या जो नॉमिनेटेड लोग थे पहले, माखनलाल बिंद्रू या एक वीरेंद्र पासवान, देख देख करके ये हिंदू है, मुसलमान है, इस प्रकार की जो कोशिशें, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनके इन्फॉर्मर्स वहां पर बैठे हैं। वो प्रशासन में भी हो सकते हैं, वो पुलिस में भी हो सकते हैं। कब, किस प्रकार से, किस हालात में उनकी हत्या की जाए, ये एक पहले से रेकी होती है और उसके बाद इस प्रकार की हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। टारगेट किलिंग के पीछे आतंकियों का उद्देश्य क्या है? ऐसी वारदात के पीछे बड़ा संदेश क्या है? आतंकवाद नीति में पाकिस्तान की नई चाल क्या है? 1989 में 14 सितंबर को पहले कश्मीरी पंडित टीका लाल टपलू की हत्या की गई थी। इसके बाद नफरत की जो बयार बही, उसमें परिवार के परिवार तबाह हो गए। कश्मीर लहूलुहान होता गया, कश्मीरियत शर्मसार होती गई। आतंकवादियों की इस छटपटाहट को समझना है तो बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा। एक पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी ऑपरेशन ऑल आउट की, जिसके तहत हर साल आतंकी सीधे ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि धारा 370 के बाद जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई, उसके बाद जिस तरह से अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर लागू है, बहुत ही मजबूती से
आतंकी घुसपैठ संभव नहीं हो पा रहा। कई इलाकों में हम देखते हैं कि किस तरह से ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने के प्रयास होते हैं। आतंकी अपना चेहरा बदलकर दूसरे तरीकों से आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फंडिंग से लेकर आतंकवाद पर हर चीज पर प्रहार हुआ है और इसीलिए आतंकी अपनी बौखलाहट में अब आतंकवाद का ये नया चेहरा हमारे सामने रखना चाहते हैं। कैसे टारगेट किलिंग की है, वहां पे 30 से ज्यादा लोग और थे, सिर्फ चुन के उन्होंने एक हिंदू एक सिख को निकाल के सीधा टारगेट किया। दर्जनों फैमिलीज, पंडित फैमिलीज, वो दोबारा एक तरीके से वो छोड़ के जा रही है, यही तो मंसूबा था। यहाँ पे लड़ाई दो देशों के साथ है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो वी हैव टू हैंडल दैट। लाल चौक पर कभी एक तिरंगा फहराना मैसर नहीं था, अब पूरा लाल चौक तिरंगे के रंग में रंगा होता है। जिस श्रीनगर में चप्पा चप्पा संवेदनशील था, इस जन्माष्टमी वही श्रीनगर कश्मीरी पंडितों के भजन कीर्तन से गुंजायमान था। लेकिन ये तस्वीरें अलगाववादियों को चुभती हैं, धारा 370 हटने के बाद से छटपटा रहे आतंकवादियों को परेशान करती हैं। दरअसल शुरुआती दौर में सुरक्षा बंदोबस्त भारी रहा और इंटरनेट जैसी पाबंदियां भी रहीं। विपक्ष ने ये सवाल भी उठाया कि क्या शांति केवल बंदूक के साए में है? आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो नहीं तो बहुत देर हो जाए। लेकिन अब साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे पाबंदियां घटती जा रही हैं, आतंक पांव पसार रहा है। नवासी से अब तक पूरे 3 दशक बाद कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने की तैयारियां चल रही। केंद्र सरकार की योजना है कि शुरुआत में 6,000 विस्थापितों को आवास दिए जाएं और 3,000 अतिरिक्त नौकरियां दी जाएं। कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट हुए थे 1990 में, उनको दोबारा बसाने की मुझे लगता है कि उसी के बल पर ये एक कोशिश की जा रही है कि इस मूव को फेल करने की, क्योंकि उनका जो विस्थापन हुआ था उसको वहां पर दोबारा स्थापित किया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से कोई इस मूव को अफेक्ट होगा ऐसा नहीं है, तो जल्द ही इन लोगों को मार गिराया जाएगा। पहले भी इस प्रकार की कोशिशें होती रही हैं, उसी का परिणाम है कि आज सिलेक्टिव किलिंग्स वहां पर माहौल बिगाड़ने के लिए की जा रही है। आतंक का माहौल रहेगा तो ये प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है और कश्मीरी पंडित शायद एक बार फिर घाटी की ओर रुख न करें। ये आतंकवादियों के लिए आदर्श सिचुएशन होगी और उसके कट्टर समर्थकों के लिए भी। स्कूल में जिन टीचर्स की हत्या हुई उनके आई कार्ड देखे गए और गोली मार दी गई। इस तरह कभी 90 के दशक में कत्लेआम हुआ था। ये उसी दौर की दहशत को ताजा करने की कोशिशें हैं। साथ ही एक रेहड़ी वाले की हत्या जो गोलगप्पे बेचता था, ये एक कोशिश है गैर कश्मीरियों को संदेश देने की, ताकि वो कश्मीर आने से डरें या जो हैं वो छोड़कर चले जाएं। जो लोग हाल ही में मारे गए उनमें 4 हिंदू, 1 सिख और 2 मुसलमान भी हैं। आतंकवादियों का उद्देश्य साफ है कि वो कश्मीरियत के धागे से बंधने वाले हर कश्मीरी के अंदर आतंक का डर पैदा करना चाहते हैं।
अगर ग्राउंड वर्क क्लियर होती तभी भारत सरकार को वापसी की बात करनी चाहिए थी और ऑनरेबल रिटर्न की बात करनी चाहती। पिछले डेढ़ साल से कम 7 माइनॉरिटी लोगों को किल किया गया कश्मीर वैली के अंदर, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं 5 लाख 7 लाख कश्मीरी पंडित इससे एनकरेज हो जाएगा वापस जाने के लिए? एक्चुअली फिर से वही रिपीट हो रहा है जो आज से 32 साल पहले हो रहा था, उसी तरीके से ये फिर से मतलब किलिंग कर रहे हैं वन बाय वन मुठ्ठी भर। चाहे अभी लोकल बंदों को मारे, जैसे बिहार के कुछ वहाँ पर वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, हम कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं, इवन बिंद्रो जी जो 32 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे, उनका अपना मेडिकल स्टोर था वहाँ पर जाके उनको मार दिया गया। तो ये एक जगह फिर से वो फेयर इंक्लूड कर रहे हैं। व्यापार एक ही बार लगातार कश्मीरी पंडित वहाँ ना बसे, व्यवस्था ना बने, वो हिंदुस्तानी वहाँ ना आए, इसको लेकर के ये सारी बातें करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान अपनी कठपुतलियों के सहारे लगातार अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे हैं। समझे 10 कदम आगे चले होते तो ऐसी जब हालात आ जाते हम जीरो पर पहुंच जाते। जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकजी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो। तो उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, चाहे यहाँ बातचीत करनी हो चाहे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान यहाँ वायलेंस करवाता है, तो कम से कम वायलेंस को बंद करने के लिए तो बातचीत शुरू हो सकती है ना। कश्मीर जितना अशांत होगा पाकिस्तान को फायदा होगा, और पाकिस्तान ऐसे हर मामले को भुनाने की कोशिशें करने से कभी नहीं चूकता। लेकिन सोचना तो उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को होगा जिससे इंटरनेट का अधिकार बड़ा लगता है, कश्मीरी पंडितों की जिंदगी छोड़ दी। हत्याओं की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। टीआरएफ एक ऑनलाइन आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है। इस आतंकी संगठन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि उसने हत्याएं क्यों की और जो कारण बताए वो बेहद खतरनाक इरादों का ऐलान करते हैं। माखनलाल बिंद्रू एक ऐसा नाम जो पूरे कश्मीर में दवा के जरूरतमंदों के लिए वरदान था। मैंने अपने फादर को बचपन से देखा है ना, और वो इंसान ने साइकिल से शुरू किया, लिटरली साइकिल से शुरू करके फिर स्कूटर पे गए, फिर हमारे पास एक मारुति 800 होती थी जो इतने साल चलाई, और उन्होंने वही उनका एक रूटीन कब से, ये नहीं कि जब हमारे पास सब कुछ अच्छा हो गया तब तक, जब से जीरो से थे और जब से बड़े तक गए वही रूटीन, सुबह 8 बजे ये करना, फिर 9 बजे ये करना, और रात के 10 बजे तक वही मेहनत करनी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की, मुझे लगता है शायद हम में से कोई भी नहीं वो कर पाएगा वो मेहनत। एंड उनने इतना कुछ, उनका उनकी पूरी दुनिया ही वो सिर्फ काम के इर्द गिर्द ही रहती थी, सिर्फ सेवा। और आपको पता है अगर कोई, शायद आपने भी कभी नोट किया होगा, जब उनके पास कोई पेशेंट आता था वो पेशेंट उनसे पूछे ना पूछे कि दवाई कब खानी, उसको सारा समझा देते, अच्छा अब आपको ये डिजीज है, आपको ऐसे है, आपको ऐसे है, आपको ये पता है, इसका ये बीडी डोज है। जो कश्मीरियत की ऐसी पहचान थे जिन्होंने 90 के दशक में भी आतंकवाद के खिलाफ घुटने नहीं टेके थे, बिंद्रू एक ऐसा नाम जो पूरे कश्मीर में अपने व्यवहार के चलते इंसानियत की मिसाल थे। ये कश्मीरी पंडित की नहीं, ये कश्मीरी की डेथ हुई है, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इस आदमी ने किन हालात में हमारी खिदमत की, ये हमारे लिए शर्म की बात है। वीरेंद्र पासवान 3 साल पहले बिहार से कश्मीर आया एक गरीब जो गोलगप्पे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन वो तस्वीर था बदलते नए कश्मीर की, वो प्रतीक था इस बात का कि कश्मीर अब मुक्त है आतंकवाद की पहचान से। सुपिंदर कौर जिनकी पहचान थी कि वो बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया करती थी और लंबे समय से इंसानियत का कश्मीरी चेहरा थी। ये 50% अपनी पे गरीबों यतीमों मिस्कीनों राह चलते हुए को भी उस पे ही खर्च करती थी, कभी भी उन्होंने शिकवाया कुछ नहीं। एक मुसलमान लड़की, एक यतीम लड़की थी, उसे इसने गोद लिया था और हमारे घर उसको लिया, कहा कि 15,000 रुपये पर महीना मैं दूंगी, इसको आप पाले क्योंकि ये मोमडन लड़की है। दीपक चंद का परिवार 90 के दशक में कश्मीर छोड़कर चला गया था, 2018 में वापस अपने पुरखों की जमीन कश्मीर में लौटे थे,
केंद्र सरकार की योजना के तहत पुनर्वसन की प्रक्रिया के दौरान दीपक की 2018 में ही नौकरी लगी थी। भारतीयता का कश्मीरी चेहरा थे। टी ब्रेक से हम चाय पी रहे थे इस कमरे में, तो ये बाहर बैठे थे, हमने थोड़ा शोर सुना और फिर जब हमें फायर सुने, तो मतलब हमें गन शॉट सुने, तो हम थोड़ा शॉक हो गए कि हमने खिड़की से देखा तो यहाँ पे मतलब शोर सा थोड़ा यहाँ पर भी। फिर हम जब बाहर निकले, फिर लोकल्स भी आए, लोकल्स जब यहाँ आए तो लोकल, फिर हमने मतलब देखा कि हम मतलब बाहर भी नहीं निकल पाए, तो बाहर निकले तो वहाँ पे मैडम और दीपक सर टीचर एक हमारा वो गिरा हुआ था वहाँ पे। शफी लोन बांदीपुरा में टैक्सी यूनियन के प्रधान थे। अहमद गोजरी बॉडी बिल्डर थे। शफी डार बिजली विभाग में काम करते थे। ये सब वो लोग थे जो अपनी मेहनत से नए कश्मीर में खुश थे, नए कश्मीर को लेकर जिनके कई सपने थे। इसी साल आतंकियों ने श्रीनगर में ही कृष्णा ढाबा के मालिक आकाश की हत्या कर दी थी। कृष्णा ढाबा पूरे कश्मीर में प्रसिद्ध था, जो सबको खाना खिलाता था। शाकाहारी रेस्टोरेंट होने के बावजूद ये हर जाति धर्म के लोगों की पसंद का केंद्र था। माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद आतंकियों ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा, वो आरएसएस की कठपुतली थे इसलिए मारा। सुपिंदर कौर दीपक की हत्या के बाद कहा, 15 अगस्त के कार्यक्रम में बच्चों को बुलाया और तिरंगे को सैल्यूट करने को बोला था इसलिए मारा। फिर वीरेंद्र पासवान, अहमद गोजरी, शफी लोन, शफी डार को क्यों मारा? असल में आतंकवादी पाकिस्तान के पिट्ठू हैं और इनका दुश्मन हर वो कश्मीरी गैर कश्मीरी है जो इंसानियत या सच्ची कश्मीरियत या भारतीयता के साथ है। आतंकियों ने कृष्णा ढाबा के आकाश की हत्या की तो जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि कश्मीर से हर प्रवासी को बाहर निकाला जाएगा। आकाश का परिवार तो जम्मू का ही था, फिर जम्मू का निवासी कश्मीर में प्रवासी कैसे थे? वक्त आ गया है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। पाकिस्तान मानवता का कातिल है। पाकिस्तान ने बार बार कश्मीर घाटी के अंदर मानवाधिकारों का हनन किया है। एकजुट समृद्ध और खुशहाल कश्मीर को अपने हाथों से फिसलते देख पाकिस्तान बौखला रहा है। कश्मीर की हर हत्या इन आतंकवादियों के सर पर इंसानियत की हत्या के तौर पर दर्ज है। मरने वाले को ऊपरी तौर पर हिंदू, मुस्लिम, कश्मीरी, गैर कश्मीरी में बांटा जा सकता है, लेकिन असल में वो सब सिर्फ नए कश्मीर का मुस्कुराता चेहरा है। आतंकवादी घटनाओं में जिस तरह से तेजी आई है, उससे लोगों में गुस्सा है। टारगेट किलिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आतंकवादियों के खिलाफ अब निर्णायक जंग की मांग कर रहे हैं। बीते एक साल में कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कई हत्याएं हुई, जिनमें सुरक्षा बलों से अधिक हमले आम नागरिकों पर किए गए। माननीय मोदी जी, एक और सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए ऐसे लोगों पर, ऐसे आतंकवादियों पर कि उनकी नस्लें भी बर्बाद हो जाए। कश्मीर की लीडरशिप क्यों सोई है? आज किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इस कश्मीर को खून से सींच क्या? वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है। 5 अक्टूबर तक 20 सुरक्षा बल आतंकी हमलों में जान गंवा चुके हैं, जो बीते 6 साल में सबसे कम है। लेकिन आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वाले आम नागरिकों की संख्या 28 है। सबसे ज्यादा श्रीनगर में 10, पुलवामा में 4, अनंतनाग में 4, कुलगाम में 3, बारामूला में 4 और बडगाम, बांदीपोरा, त्राल में एक एक नागरिक ने पिछले 10 महीने में जान गंवाई है। इनमें 3 लोग गैर कश्मीरी थे। मरने वाले 28 लोगों में 20 मुसलमान थे, जबकि 8 अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदू और सिख थे। साफ है कि आतंकवादियों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की खुशहाली है, वरना मारे गए लोगों में एसपीओ फैयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी शामिल न होते। बीजेपी नेता और म्युनिसिपल काउंसिलर राकेश पंडिता की हत्या, भाजपा कार्यकर्ता जावेद डार की हत्या, गैर कश्मीरी बिहार निवासी शंकर चौधरी की हत्या, ये सब हत्याएं कश्मीर में लोकतंत्र के हिमायती लोगों की या उन लोगों की हैं जो नए कश्मीर की पहचान बन रहे थे। अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहां पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की, ये एक साजिश है ये दिखाने की कि
कश्मीर में आपसी जो मेलजोल या आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं है, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान दुनिया के हर मंच से कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, अमन चैन की तस्वीर बन चुके कश्मीर की झूठी तस्वीर दिखाने की कोशिशें करता रहता है। पाकिस्तान डिजायर्स पीस विद इंडिया एज विद ऑल इट्स नेबर्स, बट सस्टेनेबल पीस इन साउथ एशिया इज कंटिंजेंट अपॉन रेजोल्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड द विशेस ऑफ द कश्मीरी पीपल। Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir. Kashmir ke halaat jab tarakki ki nayi misal ban rahe hain, to Pakistan ko bahut takleef ho rahi hai. Aur wo takleef nirdosh samanya nagrikon ki hatya ke taur par samne aa rahi hai. सुरक्षा बलों की कड़ाई के चलते बड़े हमले कराने में नाकाम पाकिस्तानी आतंकियों ने आतंक नीति बदली है और वो हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल करके छोटे लेकिन असर डालने वाले हमले करा रहे हैं। हाइब्रिड से यहाँ अर्थ है कि वो आतंकवादी जो स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी नौकरियों या काम में लगे होते हैं, इन्हें पिस्टल जैसे छोटे हथियार मुहैया कराए जाते हैं और ये आसानी से टारगेट की हत्या करके गायब हो जाते हैं। बीते कुछ दिनों में नियंत्रण रेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने हथियारों के जितने जखीरे पकड़े हैं, उन सब में बड़ा हिस्सा पिस्तौल और हथगोलों का ही था, जो साफ संकेत है इस बात का कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपनी नीति बदली है और उसी के हिसाब से हमले कर रहे हैं। The earlier terrorist related incidents were firing at some CRPF post or road opening party, which is bad in itself. But it is still understandable that you're fighting the security forces. But what is not understandable is why they're targeting innocent people who are going about their daily jobs and their livelihoods. And that is what is totally reprehensible and not acceptable at all. But it just goes to show their psyche that they just want murder and mayhem. They don't want normalcy. They don't want people to lead normal lives. टारगेट किलिंग के लिए आतंकियों की रणनीति को शूट एंड स्कूट कहा जा रहा है, यानी हमला करो और भीड़ के बीच फरार। इसके लिए पूरा नेटवर्क काम करता है। आतंकवादियों के ओवरग्राउंड समर्थक किसी आसान लक्ष्य को चुनते हैं, जानकारी जुटाकर हाइब्रिड आतंकियों तक पहुंचाते हैं। सुरक्षा बलों का जहां खतरा कम होता है, वहां हमले के लिए हरी झंडी दिखाते हैं। आतंकी हत्या करके भाग जाते हैं। बीती 7 हत्याओं में यही हुआ। आतंकवादी न तो पकड़े जा सके न मारे। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 2 साल में कई कोशिशें दिखीं कि कश्मीर अपने पुराने रंग में फिर वापस लौट सके। कई प्रयास दिखे, उनमें सबसे खास था कश्मीरी पंडितों की धीरे धीरे घाटी में वापसी। ऐसी योजनाएं चलाई गईं जिनके चलते कश्मीरी पंडितों का भरोसा लौटे। आतंकवादियों को ये रास नहीं आया। भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धारा 370 35 सबको मालूम था कि टेम्पररी था, अब इसकी जरूरत नहीं है। कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। आप एक कश्मीरी पंडित हैं जी, आप यहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। आई एम ऑन रेंट हियर। अच्छा, यस। कभी अपना घर भी था यहाँ? जी बिल्कुल था। वक्त वक्त की बात है, आई वॉज जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड जब हम यहाँ से माइग्रेट होके चले गए थे। लेकिन आप वापस लौटे हैं अभी, आप चाहते हैं यहीं पर रह जाएं, बस जाएं और ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो, आप महफूज महसूस करें खुद को। देखिए, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और आप खुद देख ही रहे हैं, ऐसी वादियां और ऐसा नज़ारा तो कहीं आपको नहीं दिखेगा। तो डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वापस आए और यहाँ पे मिल के ही रहे। स्टोरीज सुनती हूँ अपने फादर इन लॉ से, मदर इन लॉ, रिलेटिव्स वगैरह, तो आज भी उनकी आंखों में मतलब यही है, एक पेन दिखता है जब भी वो मतलब कश्मीर की स्टोरीज वगैरह सुना करता है, वो पेन दूर कर सके किसी तरीके से। उनको तो बहुत ज्यादा है, अपना घर छोड़ना तो ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तीन दशक लगे कश्मीरी पंडितों का भरोसा घाटी में फिर से लौटने में, और इसे घाटी में आतंकवाद के दिन लद जाने का प्रतीक भी कहा जा सकता है। पाकिस्तानी एजेंडे के एजेंट आतंकवादियों को ऐसा कश्मीर कैसे गवारा हो सकता है?
जहां फिर से कश्मीरियत के रास्ते पर जाता नया कश्मीर दिखे। तारीखों ने अभी तक कश्मीर से हिंदुओं के सिर्फ पलायन का रेला देखा था, लेकिन सैलाब बनकर वो वापस लौट रहे हैं, ये भी आज का कश्मीर देख रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार 38,000 से अधिक कश्मीरी हिंदू वापस कश्मीर लौट चुके हैं। इनमें से 3,841 कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत लौटे, जिन्हें अलग अलग जगहों पर नौकरी भी मिल चुकी है। 9 कश्मीरी पंडितों को उनकी प्रॉपर्टी भी वापस दिलाई जा चुकी है, जो 90 के दशक में सब छोड़कर चले गए थे। आज भी प्रधानमंत्री जी के स्कीम्स के थ्रू पीएमडीपी के प्रोग्राम्स में उनके लिए टाउनशिप्स बनाए गए हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के पैकेजेस दिए गए हैं। मैं कुछ दिन पहले वेसू में एक ऐसे ही टाउनशिप में था, मुझे बहुत खुशी हुई उन सब लोगों से मिलके। आतंकवाद के चलते लाखों लोग जो कश्मीर छोड़कर जाने को मजबूर हुए थे, अगर उनके परिवार वापस लौट आए तो आतंकवाद को इससे करारा जवाब और नहीं हो सकता। छोड़कर गए लोगों की कई प्रॉपर्टीज पर अब अवैध कब्जे हैं या अतिक्रमण है। सरकार ने एक वेब पोर्टल बना दिया है जिस पर कश्मीर के विस्थापित अपनी शिकायतें या प्रॉपर्टी संबंधी दावे सरकार तक भेज सकते हैं। 15 दिनों के अंदर जिला अधिकारियों को इन शिकायतों की जगह जाकर मुआयना करके जांच करनी होगी। जांच की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई का आदेश है। बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अनाउंस किया है। इस पोर्टल के जरिए हमारे जितने भी जो माइग्रेंट कश्मीरी भाई बहन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से वहाँ से उनको निकलना पड़ गया था, अगर उनकी एब्सेंस में किसी ने उनकी ज़मीनों पे, उसकी उनकी जायदाद पे, किसी चीज़ पे भी या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है तो उसको दूर करवाने की ये एक स्टेप है। कश्मीर अपनी वास्तविकता की ओर लौट रहा है तो आतंकियों को तकलीफ है। कश्मीर जितना अस्त व्यस्त रहेगा, पाकिस्तानी आतंकियों के लिए घुसपैठ और अलगाव की आग लगाना उतना ही आसान रहेगा। इसी आतंक नीति के चलते निर्मम हत्याओं का दौर शुरू हुआ है। बीते दिनों की हत्याओं का असर इस रूप में सामने आ रहा है कि करीब 1400 कश्मीरी हिंदू कश्मीर से निकलकर जम्मू पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र रहे दक्षिण कश्मीर के मट्टन क्षेत्र से ही 70 लोग जम्मू पलायन कर गए। इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत नौकरी मिली थी। कई और परिवार घाटी छोड़ने का मन बनाने लगे। घाटी में हत्याओं की साजिश में पाकिस्तान है, ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। पकड़े आतंकवादी खुद इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर चुका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर सन्नाटा है। 9/11 के 20 साल होने के बाद फिर से आतंकवाद को लेकर अजीब सा दो मुहापन सबके सामने है। ब्रिटिश संसद में कश्मीर पर प्रस्ताव लाए जाते हैं जिसमें पाकिस्तानी मूल के सांसद खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। Stop its oppression and human rights violations. पाकिस्तान सबके सामने कश्मीर को लेकर झूठ बोलता रहता है, लेकिन सब तरफ सिर्फ खामोशी है। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया के सामने कश्मीर की एक अशांत तस्वीर पेश होती रहे, इसीलिए उसके जो पालतू आतंकवादी हैं उन सब की सारी हरकतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर की नई छवि को खराब करना है। बीते 2 सालों में कश्मीर काफी बदला और बदलाव पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त लोगों को रास नहीं आ रहा। कहां तो पाकिस्तान परस्त लोगों के हंगामे से घाटी में शोरगुल रहता था, कहां ये दिन है कि चप्पे चप्पे पर तिरंगा है।
भारतीयता और राष्ट्रीयता के रंग में रंगा कश्मीर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों को भला क्यों अच्छा लगेगा। पत्थरबाजी के आम मंजर अब लुप्त हो रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की जनवरी से लेकर जुलाई तक 618 पत्थरबाजी की घटनाएं थी। 2020 में यह आंकड़ा 222 हुआ और 2021 में सिर्फ 76 रहा। जब आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 10 नियर अबाउट 7 or 8 डेज यहाँ पे कर्फ्यू रहा। आफ्टर दैट यहाँ पे धीरे धीरे हालात नॉर्मल रहे तो गाड़ियाँ चलने लगी, बट अनफॉर्चुनेट क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा फैला गया, यहाँ पे किलिंग्स हुई है। किलिंग्स कोई नहीं हुई सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, यस किलिंग्स हुई बट वो मिलिटेंट्स की तरफ से हुई। आतंकवादियों ने जिस कश्मीर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वहां आईआईटी आईआईएम जैसे शिक्षण संस्थान हैं, 2 एम्स का निर्माण हो रहा है, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, 7 पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मदद से युवाओं को फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जा रही है, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा है, महिलाओं के लिए हौसला स्कीम चल रही है जो उन्हें रोजगार में मदद कर रही है। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के युवाओं ने आतंक के दिनों को पीछे छोड़ते हुए विकास के सपने देखना शुरू कर दिया है। उसको विकास चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको अपनी बात रखने का जो है हक देना चाहिए। आप कश्मीरियों को एक एहसास देने की जरूरत है कि वो जो रियासत है या रियासत मरकजी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एक एहसास देना चाहिए कि वो हमारे हैं। एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होना चाहिए और जब एक नौजवान में मिसिंग लग रहा है आपको, ये मिसिंग है क्योंकि जब नौजवान में एक वो भरोसा पैदा होगा और उन नौजवानों को आगे लाइए जो इस मुस्तकबिल के लिए, कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे, ना कि अपने मुस्तकबिल को संवारने में हमारे मुस्तकबिल को अंधेरे में ले रहे हैं। आप तो काम सारा केंद्र सरकार को और मोदी सरकार को करना है, क्योंकि वो दिल से जम्मू कश्मीर के और खासकर वैली के कश्मीर के लोगों के और नौजवानों के दिल जीत सकती है कि नहीं जीत सकती है वो उन पर हो। सिर्फ घाटी के लोगों के ही रुख में बड़ा बदलाव नजर नहीं आया, बल्कि कभी आतंकवाद की वजह से जो पर्यटन घाटी से मुंह मोड़ चुका था वो फिर से गुलजार है। जुलाई में 10.5 लाख पर्यटक कश्मीर आए, अगस्त में 11,28,000 और सितंबर में 12 लाख से अधिक पर्यटक आए। बड़ी बड़ी कंपनियां जम्मू कश्मीर में निवेश की योजना बना रही हैं। जम्मू कश्मीर की इस तरक्की से पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है, वो कैसे भी इस शांति को भंग करने की कोशिशों में जुटा है। पाकिस्तानी आतंकियों ने एक समय में दक्षिण कश्मीर को अपना ठिकाना बना लिया था, सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद वो ठिकाने खत्म हो गए, लेकिन नई आतंक नीति के चलते इस बार उत्तरी कश्मीर आतंकियों के निशाने पर है। उत्तर कश्मीर में बांदीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा शामिल है। मिली जानकारियों के अनुसार मई से अगस्त के बीच जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अल बद्र के 60 से ज्यादा विदेशी आतंकवादी घुसपैठ में कामयाब हुए हैं, जिनके निशाने पर आम कश्मीरी और स्थानीय नेता हैं। टेररिस्ट को डर लगता है क्योंकि उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलती तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसी बौखलाहट में वो ऐसी चीजें करते हैं और वो टाइम आ गया है कि वैली में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे टेररिज्म को और उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कर रहे हैं, इसलिए टेररिस्ट बौखलाए हुए हैं। आतंकवादी जम्मू कश्मीर के सामाजिक ढांचे को भी तोड़ना चाहते हैं और शांति सुरक्षा का वो चक्र भी जिसके अंदर हर कश्मीरी नए कश्मीर में अपना भविष्य देखता है। कश्मीर में पंडितों का वापस लौटना शुरू हुआ तो कम से कम 3 दशक की उनकी भीड़ भी कम होनी शुरू हो गई। आस्था के वो केंद्र जो सूने पड़े थे वहां फिर से श्रद्धा के स्वर गूंजने लगे। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित अपनी पहचान और जड़ों की ओर लौटे तो आतंकियों को ये भी अखरा। कुलदेवी खीर भवानी के मंदिर में इस बार कश्मीरी पंडितों की जैसी हाजिरी दिखी, वो प्रतीक थी इस बात की कि 90 के दशक की दहशत की मनस्थिति से वो बाहर आने को तैयार है। कुछ दिन पहले पुलवामा जिले के खरू स्थित ज्वाला देवी के मंदिर में भी एक लंबे समय के बाद कश्मीरी पंडित उमड़े थे, तब उनके मन की बात ये संकेत दे रही थी कि घाटी के बदले हालात में उनका मन और मजबूत हो रहा है।
370 के बाद ये हटने के बाद जो है काफी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं। आज हम काफी सालों के बाद आ गए हैं और काफी इम्प्रूवमेंट है और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हम और आशा करते हैं कि वो लोग कम से कम सिक्योरिटी की हमें जरूरत न पड़े, जहाँ जाए बिल्कुल आराम से आ जाए और जाए, क्योंकि हमारा जन्मभूमि है यहाँ, हमारी जो रूट्स है वो यहाँ से है। ठीक है पत्ते तो खिल गए, कहीं कहीं हम चले गए, लेकिन रूट्स यहाँ हमारे हैं। इसलिए हमेशा हम चाहते हैं कि रूट्स को पानी हम खुद देने आए और फिर इसकी जो कलियाँ हैं खिल पड़े। ये हमारे मन की चीज है, बस हम यही चाहते हैं। प्यार से रहते थे, प्यार से रहेंगे, लेकिन अब अपनी शर्तों। केंद्र सरकार ने 2019 में ही वर्षों से बंद पड़े पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ उन्हें खोले जाने का प्रयास शुरू कर दिए थे। सर्वे और समितियों से आगे बात चली और कई मंदिरों की रौनक फिर से लौटी। कई पर काम अभी चल रहा है। श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू ने नए कश्मीर के साथ आवाज मिलाते हुए श्रीनगर के सभी मंदिरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का वादा किया। कश्मीर कश्मीरियत, इंसानियत और भारतीयता के साथ तेजी से आगे निकल रहा है। आतंकवादी इसी गति को रोकना चाहते हैं। हमले सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पर चुनौती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है कश्मीर के नव निर्माण की रफ्तार को कमजोर न पड़ने देना। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।